दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो ये रूल क्या कहता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड। जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होता है वो ट्रांसपोर्टेशन मेथड में यूज़ किया जाता है मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए लेट अस सी एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास चार कस्टमर है, C1, C2, C3, C4, और हमारे पास तीन ऑर्डर हैं O1, O2, O3। तो कस्टमर की डिमांड्स ये रही वन बाई वन, एंड अवेलेबिलिटी जो है प्रोडक्ट की वो ये रही। आप पेपर में क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ जो डिमांड्स है और नंबर जो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है जभी ये आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को फाइंड कर सकते हैं। अगर ये अवेलेबिलिटी सेम नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल वहाँ पर फेल हो जाता है। तो कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो O1 C1 वाला जो लोकेशन है, ये O1 और C1 का जो लोकेशन है, O1 और C1 यानी 6 नंबर, इसको हमें मार्क करना है। कैसे मार्क करेंगे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिमांड कितनी है, डिमांड 6 की है और अवेलेबल हमारे पास 14 है। 14 अवेलेबल है, 6 है, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना रेस्ट रहेगा, यानी 8। यानी हमने इस कस्टमर की जो 6 डिमांड थी, 6 प्रोडक्ट की डिमांड थी, उसको पूरा कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि डिमांड 6 थी, और ये जो 6 है वो 6 अब 0 हो गया क्योंकि इस कस्टमर की सारी डिमांड्स पूरी हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि अब ये 0 हो गया और 8, ये 0, ये 8। अब बड़ा कौन सा इनमें से, 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 6 से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी अब हम आ जाएंगे 4 पर। यहां पर देखिए अवेलेबिलिटी है 8 की और डिमांड है 10 की, क्या करेंगे, अब भाई जितना अवेलेबल है माल उतना ही देंगे, तो यानी 8 आ जाएगा। तो डिमांड अभी भी रह गई, 2 की डिमांड रह गई, लेकिन जो अवेलेबिलिटी थी वो अब 0 हो चुकी है। तो अब 2 की डिमांड रह गई, यानी यहाँ 0, यहाँ 2। अब बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो अब 4 से हम 9 पर शिफ्ट हो जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट रूल, 9 पर शिफ्ट हो गए। अब आप यहाँ देखिए अवेलेबिलिटी है 16 की, डिमांड है 2 की, तो इसको 2 सबमिट कीजिए। तो अब ये 2 से हो गया है 0, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, आप यहाँ कंटिन्यू इसके साथ में लिखिएगा। और जब डिमांड 2 की पूरी हो गई है तो 16 में से जब 2 जाएंगे तो 14 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, 14 हो चुके हैं। अब 14 बड़ा है कि 0, 14 बड़ा है, तो अब हम 9 से 2 पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये मेथड सभी क्वेश्चंस के लिए सेम है, ठीक है, 2 पर शिफ्ट हो गए। अब आप देखिए डिमांड है 15 की और अवेलेबल है 14, तो अब हम इसे 14 दे देते हैं। तो अवेलेबिलिटी ही ख़त्म हो गई प्रोडक्ट की, लेकिन फिर भी डिमांड रह गई एक की। तब देखिए एक बड़ा है या 0, एक बड़ा है, एक बड़ा है, तो 2 से 6 पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये हम 6 पर शिफ्ट हो गए। अब देखिए आप यहाँ डिमांड है 1 की, अवेलेबल है 5, तो इसको 1 की डिमांड है जो, इसको पूरा करते हैं, और ये 5 में से 1 जाएगा तो 4 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया 0। अब देखिए कि 0 बड़ा है या 4, 4 बड़ा है, तो अब हम यहाँ 6 के बाद 2 पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये 2 पर शिफ्ट हो गए। अब आप देखिए डिमांड 4 की, अवेलेबल 4, तो डिमांड कंप्लीट करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास सारी डिमांड्स 0 हो चुकी हैं और सारी जो अवेलेबिलिटी थी प्रोडक्ट की वो भी 0 हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मिनिमम कॉस्ट इक्वस टू, अब यहाँ जो बॉक्स में नंबर है और कॉलम में जो नंबर है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो बॉक्स का नंबर है 6 और ये जो डिमांड इसकी पूरी हुई 6 की, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 × 6, देन उसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस करने के बाद हम इधर आए 8,
8 को हमको करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 4। उसके बाद हम 4 से आए 9 पर, तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद 9 से हम शिफ्ट हुए 2 पर, फिर क्या करना है तो ऐड कीजिए, तो 14 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 14 इंटू 2, देन 2 से हम आए 6 पर, तो 6 इंटू 1। मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर 6 से हम आए 2 पर शिफ्ट हुए, तो 2 और 4, तो 2 इंटू 4, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ठीक है। उसके बाद 8 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 32, प्लस 92, ये हो जाएगा 18, प्लस 14 इंटू 2 28, प्लस 6 इंटू 1 6, और जब आप 2 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो कितना हुआ, इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 128, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब ये जो 128 है ये हमारी आई है मिनिमम कॉस्ट, जो कि हमने फाइंड करी है नॉर्थ वेस्ट रूल की हेल्प से। क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि इसके साथ आपको कौन सी यूनिट अप्लाई करनी है, कि 128 किलोमीटर है, 128 रुपीज़ हैं, 128 मीटर है, सेंटीमीटर है, तो ये जो भी होगा ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका फिर भी कोई सुझाव है, सवाल है, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए मुझे कमेंट में लिख के बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।